हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने नेटवर्क के स्पीड को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि दोस्तों, नॉर्मली सबके साथ ये चीज होता है कि आप अपने मोबाइल में नेटवर्क के जरिए आप यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं या फिर कोई और ऐप चला रहे हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो आप देखते हैं कि भाई हमारा नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्लो काम करता है, जिससे कि हम कोई चीज मतलब की वीडियो ही देख रहे हैं बार बार नेटवर्क ही छोड़ दे रहा है। तो आप सोचते हैं भाई ये आखिर नेटवर्क छोड़ के रहा है, मैं यार नेटवर्क पैक कराया, मैं नेटवर्क रिचार्ज कराया, फिर भी मेरा नेटवर्क स्लो क्यों चल रहा है। तो गाइस, नेटवर्क स्लो नहीं चलता, आपके मोबाइल में कुछ एक सीक्रेट सेटिंग रहता है जो कि आप उसको इनेबल नहीं किया रहता है, जिससे कि आपका मोबाइल इंटरनेट बहुत ही स्लो काम करता है। जो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपने नेटवर्क की स्पीड को बहुत ही ज्यादा हाई गुना कैसे करें। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं कि अपने नेटवर्क की स्पीड को कैसे बढ़ाएं, तो वीडियो को लास्ट देखिए, देन वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं सनी पटेल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सनी पटेल टैग में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, आपको अपने नेटवर्क की स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली तरह से अपने सेटिंग को ओपन कर लेना है। एंड गाइस, सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको चले जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन सब हर कोई के मोबाइल में रहता है, सबके मोबाइल में ये ऑप्शन रहता है। तो आपको ये ऑप्शन खोलना है। देखिए, ये ऑप्शन है इंटर नेटवर्क एज इंटरनेट। यहाँ पे अभी आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन लिख क्या रहा है, इंटरनेट एज नेटवर्क या नेटवर्क एज इंटरनेट, ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं भी देखने को मिलेगा तो आपको ये अपने मोबाइल में, ये सेटिंग सबके मोबाइल में रहता है, आपके मोबाइल में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर नहीं मिलेगा तो ऊपर में देखिए एक सर्च बार दिख रहा है, दिखेगा। आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल में सर्च बार पे क्लिक करके आपको मोबाइल को सर्च कर लेना है। एंड गाइज, आपको नेटवर्क एज इंटरनेट पे चले जाना है। एंड उस पे जाने के बाद गाइज, अब आपको चले जाना है यहाँ पे। जब उस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिम कार्ड एज मोबाइल नेटवर्क। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। एंड गाइज, इस पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिम कार्ड इफो एज एंड सेटिंग का। यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप जिस भी सिम का, यहाँ पे जस्ट मतलब मेरे मोबाइल में दो सिम दिखाई दे रहा है, आपका दो सिम रहेगा, तो जिस भी सिम का आपको नेटवर्क बढ़ाना रहेगा तो उस सिम पे आपको क्या करना है, एक बार क्लिक कर देना है। एंड गाइस, उस पर क्लिक करना है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए स्क्रॉल करते थोड़ा सा नीचे आना है। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एसएस पॉइंट नेम्स का, यहाँ पे APNS का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस पे आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइस, इस पे क्लिक करना है तो आपका जो भी इंटरनेट रहेगा पहले वो दिखाई देगा। देखिए मेरा एयरटेल इंटरनेट है, तो यहाँ पे देखिए आपका जियो का रहेगा तो जियो दिखाएगा, वोडाफोन रहेगा वोडा, VI MI जो भी आपका सिम रहेगा गाइस, वो आपका यहाँ पे सिम का नाम देखने को मिल जाएगा। आपको उसके बगल में ये देखिए एक पॉइंट का ऑप्शन देखने को मिला। अगर गाइस आपके मोबाइल में ये देखिए नीचे मेरे में एक ऑप्शन आ रहा है इंटरनेट MMS का, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको मोबाइल में ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पॉइंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर नीचे रहेगा तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करना है तो आपको सामने देखिए बहुत सारे डिफॉल्ट यहाँ पे सेटिंग आएंगे, इस सारे सेटिंग को आपको सही सही करना है। तो गाइस देखिए, सबसे पहला देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिला है नेम का, तो आपको नेम पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देखिए आपका नेम में जो एयरटेल MMS का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको लास्ट में क्या लिख देना है, इस पे आपको लास्ट में लिख देना है 4, यहाँ पे आपको लास्ट में लिख देना है 4। एंड आपको लिख देना है 4G, मतलब आपको 4G का नेटवर्क यूज करना है, 5G मतलब ये लिखिएगा, क्योंकि 5G अभी सपोर्ट नहीं है, अभी नहीं आया, तो आपको 5G नहीं लिखना है, आपको 4G ही लिखना है। क्योंकि और आपको यहाँ पे एक बात भी ध्यान देखना है, आपको 4 के आगे जो G लिखा है वो G आपको कैपिटल में लिखना है, अगर स्मॉल में लिखेंगे तो बहुत सारे गलती है। एंड वहाँ पे उसके बाद आपको ओके कर देना है। एंड उसके नीचे आपको देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा APN का, आपको APN पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको लास्ट में फिर से आपको क्या कर देना है, आपको लास्ट में 4 एंड G लिख देना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, G को आपको कैपिटल लिखना है, स्मॉल G को कभी भी मत लिखे, जिससे आपका नेटवर्क नहीं भी काम करेगा। तो आप अगर स्मॉल G लिखेंगे तो आप मुझे ही कमेंट करें, भाई तू बता रहा है तो गलत बता रहा है। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे आप कुछ भी नहीं सीखेंगे, उल्टा मुझे ही दोष देंगे कि भाई तू गलत वीडियो बनाता है ऐसे ऐसे, लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो इसको आपको लास्ट में 4G लिख के इसको भी आपको ओके कर देना है। एंड गाइस, उसको ओके करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग का आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग का आपका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको देखिए लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है 6 7, यहाँ पे 6 7 8, मतलब 6 7 8 8, आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान से लिखना पड़ेगा। एंड इसको लिखने के बाद यहाँ पे ओके कर रहे हैं। एंड यहाँ पे नीचे आपको देखने को पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो फोर्थ नंबर पे ऑप्शन है पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। एंड इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 4 देखने को मिलेगा। अगर आपको दोस्तों नेटवर्क के बारे में थोड़ा मोड़ा बहुत पता होगा तो आप जानते होंगे कि हमारा नेट जो है तो 4 पोर्ट पर चलता है। तो यहाँ पे आपका 4 पोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। एंड उसके क्लिक करने के बाद आपका यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए आपको एक
सर्वर का ऑप्शन देख रहेगा। सर्वर में आपका जो भी सिम रहेगा, जियो का रहेगा जियो, एयरटेल रहेगा वो एयरटेल, आपको उसका नाम देखिए यहाँ पे आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली तरह से यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ अपने जो भी आपका सिम रहेगा। दोस्तों आपको दूसरा कोई नाम नहीं लिखना है, आपको जो भी सिम रहेगा उस सिम का आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिम का नाम लिख देना है। एंड नाम लिखना है तो आपको फिर से लास्ट में क्या लिखना है, आपको लास्ट में 4 एंड G लिख देना है, 4G। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जी को, जी आपको कैपिटल लिखना है। एंड उसको लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। एंड उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अब ये सब सबको छोड़ देना है। एंड यहाँ पे आपको एमसीसी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे एमसीसी का, यहाँ पे एमसीसी देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको जो कि 405 यहाँ पे रहेगा, 405 रहेगा तो आपको 405 को काट कर यहाँ पे आपको 408 लिखना है। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, 405 रहेगा तो यहाँ पे 408 आपको लिख के यहाँ पे ओके कर देना है। एंड गाइस इसको भी ओके करने का यहाँ पे देखिए आपको IMNC का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पे यहाँ पे आपको 54 लगा रहेगा तो इसको काट के आपको 8867 लिख देना है। तो मैं यहाँ पे 8867 यहाँ पे 867 आपको लिख देना है। एंड लिखने के बाद यहाँ पे भी आपको ओके कर देना है। एंड गाइस जितना ओके करने का, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन निकल रहा है एपीएन टाइप का, यहाँ पे एपीएन टाइप को क्लिक करना है। एंड एंड एपीएन टाइप में क्लिक करने से यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। एपीएन टाइप पे जैसे आपके यहाँ पे पहले आपको देखिए एपीएन प्रोटो, यहाँ पे एपीएन का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे प्रोटोकॉल का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए आपका बहुत सारे मोबाइल में, यहाँ पे देखिए बहुत सारे मोबाइल में पहला लगा रहता है, बहुत सारे मोबाइल में दूसरा लगा रहता है, लेकिन आपको क्या करना है, थर्ड वाला ऑप्शन जो की IPv4 एंड IPv6 ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ये भी आपको हमेशा लगा रहना चाहिए। तो ये भी आपका हो गया। एंड गाइस नीचे आपको यहाँ पे देखिए आपको एपीएन रोमिंग प्रोकेटी का आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे भी क्लिक करके बहुत सारे मोबाइल में यहाँ पे पहला एंड दूसरा ऑप्शन रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन लगाना है IPv4 एंड IPv7। यहाँ पे ये 6 आपको ये ऑप्शन भी लगा रहना चाहिए, आप देख लेंगे ध्यान से। एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे देखिए MVNO टाइप का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको नॉन पे रहेगा तो यहाँ पे ICC ID का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, ICC ID पे यहाँ पे करके यहाँ पे आपको ओके कर देना है। एंड गाइस जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे सारा सेटिंग आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है, जो भी मैं आपको बताया हूँ तो आपको सारा सेटिंग एक बार चेक कर लेना है। तो इससे आपका दोस्तों नेटवर्क जो होगा 10 गुना तेज भागेगा, मैं आपको गारंटी के साथ मैं लिख के 100% लिख के देता हूँ। एंड पहले मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ, सारा सेटिंग अब आपका हो गया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आपको चेक कैसे करना है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, यहाँ पे आपका नाम है उसका स्पीड टेस्ट का ऑप्शन आपको प्ले स्टोर में नॉर्मली तरह से मिल जाएगा। आपको इसको डाउनलोड करके इसको जब से आप ओपन करेंगे, मैं आपको नेटवर्क दिखा भी रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जैसे ओपन के ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखिए आपको गो का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली गो पे क्लिक करना है, यहाँ पे कनेक्टिंग लेगा। एंड कनेक्टिंग लेने में थोड़ा सा वेट लगेगा। एंड यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पहला देखिए आपको यहाँ पे डाउनलोडर का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोडर का ग्राफ यहाँ पे मेरा जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोडर का ग्राफ यहाँ पे मेरा 5 MH का यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब 5 MH मतलब 5 सेकंड का मैं कोई वीडियो डाउनलोड करूंगा तो वहाँ पे 1 सेकंड में मेरा कोई भी वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, देख भी सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक अपलोड का टाइम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अपलोड में 5 सेकंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 MPB का MBPS का ऑप्शन देखने, मतलब कि कोई भी मैं 5 सेकंड का वीडियो डाउनलोड करूंगा तो उसमें मेरा 1 ही सेकंड में 5 सेकंड का वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा नेटवर्क कितना 10 गुना तेज, मतलब कितना स्पीड भाग रहा है। ये सेटिंग अगर आपने मोबाइल में इनेबल करेंगे तो आपका मोबाइल जो है कि 10 गुना तेज आपका नेटवर्क स्पीड भाग जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपके इस वीडियो में कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर मुझे डायरेक्ट ही कोई बातचीत करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है सनी पटेल 116, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड जो भी डाउट रहेगा आप मुझे इंस्टेंट इंस्टेंट पूछ सकते हैं। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जिससे कि आप अपने नेटवर्क स्पीड, ये प्रॉब्लम देखिए दोस्तों सबको होता है, ये प्रॉब्लम हर एक लोग को होता है कि भाई नेटवर्क स्लो चला है, नेटवर्क स्लो करे, भाई क्या करे कि हमारे नेटवर्क स्लो से फास्ट चले, फास्ट चले। लेकिन ये वीडियो अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग के साथ देखे होंगे, एंड नहीं भी देखेंगे आप जाकर दोबारा देख के ये सिंपल ये सीक्रेट सेटिंग आप करेंगे तो आपका नेटवर्क बहुत ही फास्ट काम करेगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको आगे भी इसी प्रकार की वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।